तो आप लोग को वेलकम, नमस्कार। प्रीडोम न्यूज़ अरुणाचल एमपीएल ऑल न्यूज़ टुडे केबी केबी समाचार। आपने सवाल पूछा कि मंडल का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। अक्सर कांग्रेस में मंडल प्रेसिडेंट नहीं बोलता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलता है, और बीजेपी में मंडल प्रेसिडेंट बोलता है। तो मंडल प्रेसिडेंट का एक रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो उस समय अपना चुनाव क्षेत्र के लिए एक विधायक का रूप में हम लोग उसको उतरना पड़ता है। हम लोग जिसको विधायक बनाना है, पार्टी जिसको टिकट देना है, उसको हम लोग सेलेक्ट करता है। वो मंडल का काम होता है, और मंडल से नीचे एक BLC होता है, बूथ लेवल कमिटी। उसका बाद मंडल होता है, उसका बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, उसका बाद स्टेट, उसका बाद ये सेंट्रल। तो मंडल का ड्यूटी वो है कि इस बार 2024 के लिए हम लोग का चुनाव क्षेत्र में किस उम्मीदवार को हम लोग उतारा जाए, उसको सुनना, उसको सिलेक्शन करना हम लोग का ड्यूटी है। और हम लोग उसको, हम लोग का पास में एक विस्तारक होता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होता है, स्टेट प्रेसिडेंट होता है, उन लोग से सलाह मशवरा करके और हम लोग का बीजेपी के लिए कौन विधायक बनने लायक है उसका रिकॉर्ड को, उसका रहन सहन को देख के हम लोग उसको सेलेक्ट करता है कि ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक बनेगा बोल के। हम लोग का मंडल का वो ड्यूटी है, तो हम लोग उसको रिकमेंड कर देता है। जैसे सर ने आपको कहा, सर का हम लोग ऐसा रिकमेंड करेगा कि 2014 में जिस समय कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, उस समय बीजेपी टिकट को कोई भी लेना नहीं चाहता था। उस समय हम लोग का अभी मंत्री जी ने उस समय टिकट को लिया, अरुणाचल का सबसे अच्छा मार्जिन में जीता, उसका बाद 2019 में फिर जीता, उसका बाद अभी खुद वो बता चुका है कि क्या क्या काम किया है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि बागरा सर अच्छा आदमी है, काम नहीं करने से हम लोग उसको दोबारा हम लोग नहीं सुनेगा, लेकिन उसका काम को देख के वो क्या काम किया है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हम लोग का चुनाव क्षेत्र के लिए कितना अच्छा काम किया है, उसको देख के हम लोग अभी 30 ऑल वेस्ट मंडल, जितना हम लोग का मंडल टीम है, हम लोग का 24 BLC है, और हम लोग जिस समय आपका पंचायत का चुनाव था उस समय हम लोग ZPM हम लोग 500 को टिकट दिया। तो पंचायत का बारे में हम दखल अंदाज नहीं करेगा, लेकिन हम BLC और मंडल का टीम हम लोग ये चाहता है कि बागरा साहब का इतना एक अच्छा रिकॉर्ड है, समाज उसको बहुत अच्छा पाता है। सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, आपका दापोरिजो से लेके, दुम्पोरिजो से लेके, नारुई को से लेके, लुकावाली, ईस्ट सियांग, कोरा, सब एक माना हुआ हम लोग का एक अच्छा लीडर है, जो अरुणाचल का सभी लोग उसको एक पाडली उसको रिस्पेक्ट करता है। हम लोग बहुत लकी है कि ऐसा हम लोग का पास एक लीडर है। इसलिए हम लोग ये चाहता है कि 2024 का चुनाव क्षेत्र में इस चुनाव क्षेत्र का बीजेपी का एक ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तोपिन का मैं बोरा भाई हूँ, बोरा भाई का हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, एक मंडल प्रेसिडेंट का हैसियत से। 2018 में हमारा छोटा भाई तोपिन रहते बीजेपी का एक्टिव मेंबर लिया था। 2019 में उन्होंने टिकट मांगा, उसको टिकट नहीं मिला, वो JDU में जाके कॉन्टेस्ट कर लिया। हिसाब में बीजेपी में अक्सर ये होता है कि आप टिकट मांग सकता है, टिकट मांग सकता है, टिकट मांग के अगर आपको टिकट नहीं देता है तो आप एक कार्यकर्ता बन के जिसको टिकट देता है उसको आप सपोर्ट करना है। तो उसको हम लोग देख के, हाँ ये गया इलेक्शन में सपोर्ट किया था, चलो इस बार तोपिन को ही हम लोग टिकट दे देता है। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने JDU में कॉन्टेस्ट कर लिया। JDU में कॉन्टेस्ट करके फिर 2020 में जब हम लोग का पंचायत चुनाव आया, पंचायत चुनाव में हम लोग जिसको टिकट दिया, बीजेपी जिसको हम लोग ZPM का टिकट दिया, उस कैंडिडेट को वो अगेंस्ट में कैंपेन किया। उसका रिकॉर्ड सब इधर है, सब उसका रिकॉर्ड है, फोटो शोटो का साथ पूरा रिकॉर्ड है। और फिर एक आपको ये मैं ये बात बताऊँ, अगर हम तोपिन को हमारा छोटा भाई है बोल के हम छुपा के रखने के लिए भी कोशिश करें तो इसमें एक सबूत
का तौर पर इसमें है, जिसमें पूरा इलेक्शन रूल का उसका पूरा ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर का सिग्नेचर सील का साथ है, जिसमें तुमके बागरा बीजेपी कैंडिडेट 6000 वोट मिला था, यामान बागरा इंडियन नेशनल कांग्रेस 172 वोट मिला था, न्यादा लोया जनता दल सेकुलर 385 वोट मिला था, तोपिन इधर क्लियरली लिखा है जनता दल यूनाइटेड 5034 वोट मिला था। अगर ये रिकॉर्ड इलेक्शन ऑफिस में है, ये रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस में है, ये रिकॉर्ड आपका स्टेट ऑफिस का टेबल में है, ये रिकॉर्ड दिल्ली में है, तो इस हिसाब से हम लोग ये बोलता है कि तोपिन अगर आप बीजेपी को अच्छा लगता है तो अंदर में आके बीजेपी बनिए, एक कार्यकर्ता बनिए। आप खुद मालूम है अतुल बिहारी वाजपेयी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना सालों तक इंतजार करना पड़ा। यहाँ पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी है 2004 से बीजेपी का कार्यकर्ता बन के इस साल में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, इतना इंतजार करने का बाद बीजेपी में अगर आता है तो हमारा दरवाजा खुला हुआ है, मंडल का ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का खुला हुआ है, आप आइए बीजेपी में कार्यकर्ता बनिए, उसका बाद हम लोग आपको नेता बनाएगा। आप ऊपर से नेता बनने के लिए बीजेपी का नीचे का आदमी को आप नहीं पहचानने से यह रिकॉर्ड ये बोलता है। और इसका दिखाने का हमारा और एक आपको जरूरी है, 2020 का लास्ट में स्टेट से हम लोग को एक लेटर आया था, 2019 असेंबली इलेक्शन 2020 पंचायत इलेक्शन अपना बीजेपी का कार्यकर्ता होके एक्टिव मेंबर होके जो भी पार्टी का खिलाफ गया है उसको एक रिपोर्ट दे दो बोल के मंडल प्रेसिडेंट को एक लेटर आता है, स्टेट से। तो उसमें हम तीन मेंबर कॉन्स्टिट्यूट करता है डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी बोल के, तीन मेंबर रिपोर्ट लेता है कौन एक्टिव मेंबर होके बीजेपी का क्लब में गया है। तो उनमें तोपिन एत नंबर वन में है, रिबुरी में नंबर टू में है, सोरसेन ओरी नंबर फोर में है, ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि उन लोग बीजेपी का एक्टिव मेंबर होके बीजेपी का क्लब में कैंपेन किया है। और ये लेटर को हम उन लोग का डिसिप्लिन एक्शन कमिटी का रिपोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट को रिकमेंड कर देता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट को रिकमेंड कर देता है। ये कॉपी अभी स्टेट ऑफिस में है। तो इस हिसाब से आपका सवाल का जवाब यही है कि इसमें क्लियरली है कि 2019 में बीजेपी टिकट नहीं मिलने के कारण जनता दल यूनिट में वो कॉन्टेस्ट कर लिया है, उसका मतलब अभी वो अंदर से बीजेपी नहीं है, वो जनता दल है। तो ऊपर से वो ये बोल रहे हैं, आप खुद देख रहा होगा, हो सकता है आज हम ये बोलने का बाद कल से उन लोग ये चीज़ को चेंज करेगा होगा या तो नहीं भी करेगा होगा। अगर बीजेपी किसी भी पार्टी में आपका पार्टी में ज्वाइन करता है तो बीजेपी का मफलर पहनाता है, अब तो कोई जगह कवर किया होगा, वो तो बीजेपी का मफलर नहीं पहना रहा है, वो तो एक सफेद वाला मफलर कोई पहना रहा है, तो उसको हम कैसे बीजेपी माने। अगर कुछ भी पार्टी होता है, बीजेपी का पार्टी होता है, चलो मिनट तक ना सही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का फोटो होना पड़ता है बैनर में, तुंग ना सही मंडल प्रेसिडेंट का फोटो होना पड़ता है, लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं है, तो उसको हम कैसे बीजेपी मान ले। हम एक बड़ा भाई होके उसको हम बीजेपी मान सकते हैं, लेकिन हम मंडल प्रेसिडेंट होके हम नहीं मान सकते हैं।